सो गाइज वी हैव अ लेटेस्ट अपडेट इन इनकम टैक्स बिकॉज मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूटिलिटीज और फॉर्म्स कब अवेलेबल करवा दिए जाएंगे. सो गाइज हमारे पास एक लेटेस्ट अपडेट है. सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे. इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो गाइज इनकम टैक्स फॉर्म्स में, इनकम टैक्स की वेबसाइट में आपको डाउनलोड्स में यूटिलिटीज मिल जाएंगी, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटीज जो आपको टैक्स ऑडिट के लिए फाइल करनी है. इनेबल्ड फॉर फॉर्म 3CACD 3CBCD कंपनीज के लिए भी, अदर देन कंपनीज के लिए भी, प्रोप्राइटर है, फर्म है, तो उन सब के लिए जो टैक्स ऑडिट यूटिलिटी है उसका वर्जन रिलीज कर दिया गया है. दिस वर्जन कैन बी यूज फॉर टैक्स ऑडिट इन केसेज नॉट इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो उस केस में डिफरेंट वर्जन आएगा. द नेक्स्ट वर्जन विल हैव CSV इंपोर्ट पब्लिक अपलोड टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन वेरियस शेड्यूल ऑफ द फॉर्म. तो जिनमें कम ट्रांजैक्शंस हैं द सबमिशन ऑफ द फॉर्म वुड बी इनेबल्ड शॉर्टली. तो कम ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म को इनेबल कर दिए, आप यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो. बट जिनकी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं TDS में, या कोई जिनका मटेरियल्स वगैरह स्टॉक की ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, तो उनके लिए यूटिलिटी दोबारा आएगी, ऐसा बोल दिया है. ऐसी फॉर्म 15CACB इनेबल कर दी है. 15CA इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड फॉर पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज ये फॉर्म मैंडेटरी होती हैं. बैंक से अगर अप्रूवल लेने हैं, रेमिटेंस सर्टिफिकेट्स लेने हैं, तो ये फॉर्म्स फाइल करना जरूरी होता है. सिमिलरली जो फॉर्म 15CB है, सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंटेंट, वो भी इनेबल करवा दिया गया है. सो आई बिलीव आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी. वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना. टिल देन गुड बाय.